veins. I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. हाय गाइस एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का दिन जो है मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि आज नीरव यानी मेरा बड़ा वाला बेटा 6 ईयर का हो गया है और उसका 6th birthday है। तो सुबह तो कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, वैसे हर साल काफ़ी अच्छे तरीके से मनाती हूँ। स्टार्टिंग के 3 ईयर्स तो दोनों का ही बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, बट जैसे जैसे टाइम बीता जाता है ना, थोड़ा थोड़ा चीज़ें हम छोड़ने लगते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं, प्रायोरिटीज़ हमारी बढ़ने लगती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो एनीवेज़ अभी यहाँ पर मैं सुबह सुबह पराठे बना रही हूँ पनीर के। तो मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा तैयारी रात को नहीं किया था, कुछ ऐसा काम था जिस वजह से हम लोग गए थे बाहर तो नहीं हो पाया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फटाफट से जल्दी से पराठे, छोटे छोटे पराठे बना कर दे दी हूँ। बहुत ही हैवी वाले नहीं बनाए हैं, छोटे छोटे बनाए हैं नीरव को, थोड़े छोटे छोटे। एक्चुअली उसको ना मिनी पैनकेक वगैरह या मिनी पराठे बोलने में ना ऐसे देखने में भी बहुत क्यूट सा लगता है, तो मैं बना कर देती हूँ। तो क्योंकि आज बर्थडे है तो काफ़ी कुछ सफाई वगैरह भी चल भी रहा है दिवाली का, तो थोड़ा बहुत चल ही रहा है अभी, क्योंकि हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं अंदर गवर्नमेंट क्वार्टर में। तो जस्ट ही हम लोग शिफ्ट होंगे तो बहुत ज़्यादा डीपली क्लीन इस घर में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग जाएंगे और उस घर में भी मतलब मेरी काफ़ी अच्छी खासी मेहनत होने वाली है। तो इसीलिए वहाँ भी घिस घिस के सफाई करो और यहाँ भी करो, तो मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाय बर्थडे बॉय, गुड मॉर्निंग। सो बस बर्थडे बॉय स्कूल चला गया, बर्थडे है तो अब क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें वो बोलने लगा है, अपने हिसाब से कर रहा है। तो उसने कहा था कि बर्थडे पे वो चॉकलेट सबको देगा, तो चॉकलेट का एक बड़ा बड़ा जो कैडबरी वाला होता है जिसमें 50 आई थिंक चॉकलेट थे, काफ़ी वो वापस लेकर आ गया। तो उस दिन कुछ बच्चे नहीं भी आए थे तो इसलिए, बट हमने थोड़ा एक्स्ट्रा दिया था ताकि सारी टीचर्स को वो दे बांटे और उसे अच्छा फील हुआ। और सुबह फिर यहाँ पर मैंने ना कपड़े वगैरह डाल दिए वॉशिंग मशीन में। मैंने कहा पहले कपड़े बहुत ज़्यादा मतलब भरा हुआ था लॉन्ड्री बास्केट में कपड़े, तो मैंने कहा थोड़ा सा कपड़े हटा लेती हूँ क्योंकि देखने में बहुत ही गंदा लग रहा था। तो कपड़े वगैरह लगाए, उसके बाद मैंने नीरव के जो स्टडी टेबल था वो, एंड या गाइस ये जो सामने आप बुक शेल्फ देख रहे हो ना, ये मैंने मतलब बुक शेल्फ भी अभी लिया है और ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। और ये देखो गाइस, नीरव ने कल लिखा, आई कैन टेल यू, उस पर लिखा है आई लव मम्मा एंड डैडी सो मच। मतलब खुद ही उसने लिखा, मतलब कुछ मुझसे पूछा भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं, कब मुझे अचानक से इस तरीके से बना के दिया। ऑल दो उसकी ड्राइंग इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट आज जो भी बना लिखा उसके लिए मैं बहुत इमोशनल फील हो रही थी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा है कितना मैच्योर हो गया है 6 ईयर्स का होने के बाद, और भी ज़्यादा चीज़ें मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन नीरव मेरी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। शायद मैं ये कहूँ कि मेरे हस्बैंड जितना मुझे समझते हैं उससे भी ज़्यादा, मतलब मेरे हस्बैंड भी शायद इतना मुझे नहीं समझते हैं जितना मुझे नीरव अभी 6 ईयर्स का हो गया वो मुझे समझता है कि मैं कब पेन में हूँ, कब मैं परेशान हूँ, कब मैं खुश हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें यू नो चेंज करता है, मुझे अच्छा लगता है। तो कई बार मुझे पैम्पर भी करता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब मेले करता है वो, तो वो खुशी ही अलग होती है जब बच्चा आपके लिए करता है। तो अगर मुझे कभी पैर में दर्द हो या कमर में दर्द हो तो वो दबाता है और मतलब इतना अच्छा फील कराता है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो होता है। तो यहाँ पर देखो उसके फ़ोटो, ये मेरे लिए फ़ोटो बहुत स्पेशल है। हालांकि इस फ़ोटो में बहुत कुछ नहीं है, बट पता नहीं क्यों नीरव की स्माइल, और किसी ने दिया था गिफ्ट रैंडमली, किसी ने दिया था हमें, हम किसी के बर्थडे पे गए थे ना, तो उन्होंने बर्थडे पे जिसका बर्थडे था उसका क्लिक किया था, बट पता नहीं क्यों नीरव उनको इतना क्यूट लगा तो उन्होंने नीरव का भी फ़ोटो बनाकर इस तरीके से हमें दिया था। तो यहाँ पर हैंड वॉश जो था वो ख़त्म हो गया था तो मैंने वो रिफ़िल कर दिया। और सबसे बड़ी गलती जो आज मैंने किया वो ये था कि मतलब मैं पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं बाथरूम भी डीपली क्लीन करने बैठ गई। मतलब क्योंकि मुझे ऐसा था कि आज नीरव का बर्थडे है तो थोड़ा सा पूजा वगैरह अच्छे से करूँगी, इस चक्कर में मैंने बाथरूम, मुझे क्यों पता नहीं बाथरूम से थोड़ा हटके ही मंदिर है तो मुझे लगा कि आज बाथरूम क्लीन कर लेना चाहिए, थोड़ा फ्रेश फील होगा। बट मेरा ये डिसीज़न बहुत गलत था क्योंकि मैं बाथरूम क्लीन कर तो ली, बट उसके बाद थोड़ी मेरी बैंड जो बजी वो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि सारा बाथरूम एंड टाइल्स एंड ये वॉश बेसिन सब कुछ क्लीन करने बैठ गई मैं और मेरी हालत बहुत टाइट हो गई थी। बट समहाउ मैंने मैनेज कर लिया।
फाइनली मतलब बर्थडे की इवनिंग तक तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। उसके बाद मैंने नहा लिया, हेयर वॉश अच्छे से कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा प्रसाद बनाने आ गई बर्थडे के लिए। मैंने कहा चलो नीरव का बर्थडे तो वो भी आएगा तो थोड़ा पूजा कर लेगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया था आज हलवा, बट बहुत डिलीशियस बना था गाइस। मतलब इसमें ना शुगर को भी मैंने साथ में कैरमलाइज किया था, मतलब दानेदार था ना उसको कैरमलाइज करना है, उसी में भूनना है जब सूजी हमारा अच्छे से भून जाए तो, और विदाउट कोई ड्राई फ्रूट्स। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, आई कॉन्ट टेल यू गाइस, बहुत ही यम्मी बना था, डिलीशियस। और कलर से ही आपको मतलब दिख रहा होगा, खिला खिला एक एक दाना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़े पूजा अच्छे से करा और इवन नीरव को भी करवाया, तो अभी आप थोड़ी देर में देखोगे कैसे वो पूजा कर रहा है। फूल चढ़ाओ भगवान को, ऐसे अपने देखो बलून से छुट्टी, फूल चढ़ाओ, सारे फूल चढ़ाओ एक एक करके। टीका लगाओ सब भगवान को, टीका लगाओ, पूजा सीख ऐसे इस हाथ से। तो बस नीरव ने पूजा कर ली है, उसके बाद अब हम लोग करेंगे बर्थडे सेलिब्रेशन घर पे ही थोड़ा छोटा मोटा। हाय गाइस, हाय गाइस, तो लाइट जो है तो पहले ऑन कर दो, आ जा नीरव, आ जा करो यार, से हाय गाइस, हाय गाइस, क्या है आज? तो आज मेरा बर्थडे, तो आज है नीरव का बर्थडे। तो बर्थडे बॉय आज कितने इयर्स का हो गया है? और न्यू छोड़ दो बेटा, तो ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और सुबह से बहुत ज्यादा कुछ नहीं शूट करी क्योंकि बहुत थकान लग रहा था, थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी। तो बस अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, केक कटिंग कर रहे हैं, बार बार जो बॉल है वो सारा गिर रहा है, उसमें से देखो ऑलरेडी सब में से फूट फूट चुका है, क्योंकि थोड़ा सा हमने मतलब थोड़ा सा मतलब रेस्ट कर रही थी मैं, मतलब सोई नहीं हूँ लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करी, तो काफ़ी थकान काफ़ी एग्जॉस्ट सा हो गया था। तो हस्बैंड अभी पार्सल आया तो उसी को सब कुछ कर रहे हैं, पार्सल बिल्कुल डिफरेंट आ गया, मिंत्रा से एक्सपेक्ट नहीं किया था, टोटली डिफरेंट आ गया। और आज मैंने सिंपल सा एक कॉटन वाला मतलब ड्रेस पहना है, बहुत सिंपल सा। तो चलो फटाफट से केक काटते हैं, बच्चे ना बिल्कुल भी नहीं मान रहे, बहुत परेशान कर रहे। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stop. 4:30 baje nikal raha hai. Ye magical ho gaya wa. Ye babu, chalo na Delhi ke liye nikal rahe. Chandigarh se. आज क्यूट कौन लग रहा है? आज है बर्थडे, आज स्कूल से मम्मा
के दिया वन 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 वन। क्या बांट के दिया वन? वो चॉकलेट डेरी मिल्क। डेरी मिल्क ये थोड़ा अच्छा है। That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. Nico. I lose track of time, yeah. Move fast and climb. A new class to find, yeah. True passion shines, and I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. Hi guys, good morning. तो कल का जो vlog था वो अधूरा ही रह गया था, तो मैंने सोचा कि अभी उसको एंड कर देती हूँ। तो कल हम लोग काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, मतलब नीरव को हालांकि काफ़ी शॉपिंग करनी थी, बट नीरव भी मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि वो थका, अदरवाइज उसको थकान क्या होता है वो पता ही नहीं होता है। तो काफ़ी एग्जॉस्टिंग था कल का दिन, क्योंकि नीरव अर्ली मॉर्निंग उठा था और सुबह स्कूल भी गया, और स्कूल से आने के बाद भी बिल्कुल भी उसे रेस्ट नहीं लिया, मतलब बैठा तक नहीं, बर्थडे 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 सारा दिन ऐसे ही चल रहा था उसका। फिर स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत पूजा किया, नीरव ने भी किया, मैंने भी किया साथ में सब कुछ मिलकर, फिर डेकोरेट किए, तो वो भी थोड़ा मतलब कूदता ही रहता है, बस सारा दिन कूदता रहता है। तो यही चीज़ सब हमने फिर डेकोरेट करके, फिर सब कुछ केक वेक कट करके गए हम मॉल में, हॉरर वाले उसमें गए, और इतना मतलब मैं डरी, अब मैं लाइफ में कभी जाऊँगी नहीं सच में। इतने ज़ोर ज़ोर से ऐसा लग रहा था कि कोई ज़ोर ज़ोर से ऐसे पीठ मारे भी जा रहा है, मारे भी जा रहा है, ऐसे जो जो पूरा ऐसे पट्टी में एकदम लपेटा हुआ होता है ना, मॉमी जो होती है वो भी था उसमें। इतना डेंजरस स्केलेटन दिख रहे थे, और बहुत है वियर वियर जो बता ही नहीं सकती, तो ऐसा था। तो सब कुछ एग्जॉस्ट हो गया, इसलिए हम लोग आ गए, शॉपिंग के लिए भी गए थे, ज़्यादा कुछ लिया नहीं हम लोगों ने। तो बस नीरव की जो भी शॉपिंग अभी पेंडिंग उसकी कुछ कुछ है पड़ी हुई है, तो उसके लिए हम एक दिन और जाएंगे उसके बर्थडे के लिए, मतलब बर्थडे का ही रहेगा। और उसके बर्थडे पे हमने एक्चुअली ये बुक शेल्फ भी लिया है, जो कि अभी थोड़ा सा मैंने डेकोरेट नहीं किया है, अभी डेकोरेट करूँगी। तो नीचे वाले में कुछ उसके स्टेशनरी के सामान रहेंगे, या कुछ उसके बैग, या कुछ ऐसा चीज़ें जो मतलब दिखने पे अच्छा नहीं लगता वो चीज़ अंदर। और ये गाइस मैंने मंगवाया है आई थिंक फ्लिपकार्ट से, हाँ पहले अमेजोन पर देखा, बट अमेजोन पर थोड़ा प्राइस ज़्यादा था, तो फिर मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया, और काफ़ी अच्छा था इसको तो इस तरीके से बन के नहीं आया था ये, बट इसको मैंने खुद ही बनाया है, मतलब खुद मैंने नहीं, मैं कैसे क्रेडिट ले सकती हूँ, सॉरी मतलब मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने, मतलब मैंने भी नहीं कुछ नहीं, सॉरी हस्बैंड ने ही सारा बनाया है। पहले तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था, बट फाइनली हो गया, ये सब काम मेरे बस का नहीं है, तो मेरे से तो कभी नहीं होता। तो बुलाने वालों की तरफ से भी उधर से फ़ोन आया था फ्लिपकार्ट के कि अगर आपको चाहिए तो हम लोग कर देंगे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मैं कर लूँगा, वो लोग चार्ज ले रहे थे जो भी है। तो बस यही सब था, ये उसका एक बर्थडे गिफ्ट भी है, ये भी है, हालांकि उसके भी बर्थडे गिफ्ट और भी उसने कुछ कुछ टॉयज बहुत चीज़ें मांगे, तो वो भी हमें करना है, प्लस उसके स्केटिंग्स, हाँ उसके स्केट्स जो है वो ख़राब हो गए, तो वो हमें न्यू लेना है, तो वो भी हम लेने जाएंगे। बट कल ऑलरेडी अब घर में इतना प्रिपरेशन ये वो सब कुछ है, इतना मतलब लेट हो गया था, तो हमने कहा कल का छोड़ देते, एक दिन और उसके लिए रहेगा। तो बस यही सब है, अब मैं जा रही हूँ फटाफट से, आज बहुत ही स्पेशल एक बनाऊंगी सांबर बड़ा एंड चटनी, जो कि साउथ का है, मुझे बहुत पसंद आता है साउथ इंडियन डिशेस। तो यही है बस, मैं आज जा रही हूँ बनाने, और वो मैं जल्दी बहुत जल्दी शेयर करूँगी, क्विक 3 मील्स आइडियाज ऐसा कुछ टॉपिक होगा, तो आप लोग ज़रूर देखना। तो बस अभी के लिए इतना ही है, आई होप कल का आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, सिंपल सा था, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं किया। हाँ एक और रीज़न है मेरा, कल काफ़ी एग्जॉस्ट हो गई, मेरे नीज़ में भी पेन हो रहे थे, मतलब नीज़ में नहीं सॉरी नीचे जो टॉज है उसमें भी मेरे पेन बहुत हो रहे थे। उसके अलावा मैंने बाथरूम उस दर्द हो रहा था, फिर भी मैंने
पूरा बाथरूम डीप क्लीन करने लग गई, जो भी सिंक, जो भी वॉश बेसिन होता है, जो भी टाइल्स ऊपर नीचे सब कुछ कल क्लीन करने बैठ गई, तो इस वजह से भी थोड़ा ज़्यादा टायरिंग हो गया। तो यही सब था, तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। सो या मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं कल। बाय।